च दलगोविन्दं चापे च मधुसूदनं रथेतं वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्मं न विद्यते। भगवान विष्णुंकर मास अनुसार नाम अछि, बार मास रे बारटी ना। एई श्लोक रे जहाँ वर्णना आइछि, दोळे च दलगोविन्दं चापे च मधुसूदनं रथेतं वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जेतेबेले छे फाल्गुन मासरे दोल पूर्णिमा रे पंचु दोल रे विजय करंती, सेतेबेले छे दोल गोविंद। जेतेबेले बैशाख मासरे चापरे विजय करंती, नौका विहार करंती, जल भ्रमण जल केली करंती, सेतेबेले भगवान होछंती मधुसूदन। जेतेबेले रथ रे विराजमान करी श्रीमंदिररु गुंडीचा मंदिर अभिमुखे महाप्रभु विजय करती, सेते बेले रथरे से हूँ कला बामन। पवित्र वैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि, जहाँ अक्षय तृतीया बोली कहा जाए। परशुराम जयंती, भक्त कवि जयदेव जन्मतिथि, सत्ययुग आरंभ यही तिथि होता बोली कहा जाए। ये प्रसिद्ध तिथि जहाँ आम उत्कलीय कृषक मान अखिमुठी अनुकूल ये तिथि आरंभ होता है। यही तिथि श्रीक्षेत्र श्री जगन्नाथ स्वामी एक प्रसिद्ध यात्रा अनुष्ठित होती। से यात्रा कौन ना, से यात्रा होती चंदन यात्रा। महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर चंदन यात्रा नरेन्द्र पोखरी दीर्घ 21 दिन धरी अनुष्ठित होता है। या को कहा जाए बाहर चंदन, पुणी मंदिर भितर जिते बड़े 21 दिन हुए ताकू कहा जाए भीतर चंदन। एभली भाव में 21 21 मिशी 42 दिन व्यापी अनुष्ठित होता बृहत्तम यात्रा चंदन यात्रा संपर्क आम किंचित तथ्य आपण मान निकट में उपस्थापन करुचु। सज्जन मंडली आपण मैंने जानती महाप्रभु श्री जगन्नाथ वर्षक मात्र दुई थर स्वयं लीला करती। थरे स्नान पूर्णिमा रे गाधेवा को आसंती स्नान मंडप को, आउ थरे रथरे बसी रथ यात्रा करंती। आउ जेते यात्रा सेते बेले महाप्रभुंकर विविध जानी यात्रा पर्व पर्वाणी को केते बेले विजय प्रतिमा चलंती प्रतिमा यात्रांगी प्रतिमा को पठेकरी नीति संपादन करितांती। वैशाख मासरे अनुष्ठित होता ये चंदन यात्रा एथिरे मुख्यतः क्यों क्यों ठाकुर माने जानती आपण माने विचार करूथिबे। एथिरे मदन मोहन जानती जगन्नाथंक पक्षरु, बलभद्रंक पक्षरु रामकृष्ण जानती, एवं श्रीदेवी भूदेवी मध्ये जाइथांती। एवं एतद् व्यतीत पांच महादेव जे पंचुपांडवंकर प्रतीक बोली विवेचना हुवंती, ए पंच महादेव मध्ये जाइथांती। पंच महादेव क्यों क्यों महादेव ना, ए संपर्क रे सुंदर भाव रे वर्णना है जे जमेश्वर लोकनाथ कपाल मोचन मार्कंडेय एवं नीलकंठ ए पांचटी महादेवंकर प्रतिमा ए यात्रा रे संयोजित होती चंदन यात्रा रे। जिमितिका ए यात्रा तो जुग को जुग यही मते परमानंद ए जगते ए यात्रार परंपरा महार्ग परंपरा कुआ जाए। द्वापर युगरे भगवान कृष्ण जेतेबेले पंचुपांडव मानक सहित विराटंकर राज्य रे तंकर चंदन यात्रा करथिले, सेई कथा को मने पकेगिरी धर्मराज युधिष्ठिरंक स्वरूप होचंती श्री जमेश्वर, भीमंकर स्वरूप होचंती श्री लोकनाथ, श्री मार्कंडेय होचंती जहां को अर्जुन बोली विचार करा जाए, श्री कपाल मोचन महादेव जो नकुलंकर स्वरूप, श्री नीलकंठ सहदेवंकर स्वरूप। ये पंच महादेव ये मध्य यात्रा करी थांती। कोठी की जाई थांती ना, जो जगह को जाई थांती से जगह होचंती नरेन्द्र पुष्करिणी, श्रीक्षेत्र सबुठू बड़ पोखरी ये नरेन्द्र पोखरी। पुरी रे तो बहुत पोखरी अच्छी आपण मैंने जानती, सेतो गंगा अच्छी, इंद्रदुम्न अच्छी, मार्कंडेश्वर पोखरी अच्छी, किंतु सबुठारु बड़ पोखरी होचे नरेन्द्र पोखरी। 8 एकर जमीरे या खोला जाइछि, यार लंब होचे 873 फुट, चौड़ा होचे 834 फुट।
एही पोखरी मझीरे गोटे दीपीदांडी मंदिर अच्छी। दीपीदांडी किछि दूर रे चंदन घर जहाँ पुरी रे चंदन चकड़ा बोली कहती। एठारे श्रीजीवंकर चंदन यात्रा नीति अनुष्ठित होता है। विशेषकर जो माने पुरी जाइछंती पुरी रे देखिथिबे चंदन पोखरी रे चंदन सरोवर रे 14 गोटी तुठ मध्य रही। आओ ये कथा वास्तव में सबुठ आलोचनार विषय ये पंच महादेव जिते मंदिर जाती केमितिका जाती ना निज निज विमान आरोहण पूर्वक पंच महादेव जाती। मदन मोहन केमितिका जाती ना मदन मोहन जाती मणि विमान रे। सेइतपई कवि माने पर वर्णना करिसेंती जे मणि विमान गोविंद आउ भक्त माने ए दृश्य को देखिकी आनंद मध्य होचंती। भक्त कवि बनमाली दिने ए दृश्य को देखी कही थे देख गो राधा माधव चाली देख गो मणि विमान आसे झूली झूली मणि विमान आसे झूली झूली देख गो राधा माधव चाली। मणि विमान स्वतंत्र शैली रे शिशु काठरे हाथी दांत आ रूपा पातरे निर्मित होता विमान। यार स्तंभ संख्या हूँ 16 जगन्नाथ जे 16 कला तहु कला ए नंद बला। यही न्याय रे जगन्नाथ जेहेतु 16 कला पूर्ण ब्रह्मर प्रतीक तांकर मंदिर भितर आम देखा पाई अनेक 16 जिनस जमीका मुक्तिमंडपर स्तंभ संख्या 16। से मुक्तिमंडपर जो ब्राह्मण मान बसंती से ब्राह्मण माने होचंती 16 शासनर ब्राह्मण सामंत एवं भगवान के निकट रे जो भोग प्रस्तुति हुए से भोग 16 उपचार रे प्रस्तुति होता है। ठीक से ही भली जो विमान मणि विमान मणि विमान 16 स्तंभ विशिष्ट विशिष्ट अटंती। ओ ए विमान रे कलश पताका रूपामंडित सुवा रूपार पारा पद्म कढ़ और आंब कसियार चित्र सहित भेलभेट कनारे सुंदर भाव रे मंडणी होता है। मणि विमान भारी सुंदर देखा जाए। आ विमान जिते बड़े चले सते कि झुली झुली एभली भाव एमती सुंदर शैली रे निर्मित होता है जेभली भाव यह झुलला भाया लगुता है। तेणु मणि विमान रे भगवान मदन मोहन विजय करती आ पालिंकी विजय करती रामकृष्ण। मणि विमान रे मदन मोहन मोहन सहित श्रीदेवी एवं भूदेवी मध्य विजय करती। आपण मैंने जानती रथयात्रा एड़े बड़ रथयात्रा है लक्ष लक्ष भक्त आसती किंतु से यात्रा को श्रीदेवी भूदेवी को प्रभु नियंती किंतु यही चंदन यात्रा को श्रीदेवी जाई थांती जे सुवर्ण प्रतिमा गोविंदांग विहारिणी कनक वर्णा माँ लक्ष्मी ठाकुराणी प्रतीक होती श्रीदेवी एवं रजत निभा अर्थात रौप्य प्रतिमा भूदेवी जाई थांती एवं चंदन यात्रा जो विधि विधान अच्छी दिन रे गोटे चाप हुए राति रे मध्य चाप हुए दिन चाप पर चंदन कुंड रे जो आम चंदन चकड़ा बोली कहचे तीन बखरा तीनोटी मंदिर भाया लगुव तीन बखरा होते कुंड थी गोटे कुंड रे श्रीदेवी भूदेवी एवं मदन मोहन अन्य कुंड रे रामकृष्ण तृतीय कुंड रे पंच महादेव शीतल जल रे स्नान करुथिबे। ये स्नान सारी पुणे राति चाप सारी विलंबित राति रे श्री मंदिर को फेरी आसंती। ये होची चंदन यात्रा रो एक संक्षिप्त तथ्य। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ।